2017 से लेकर के आज तक लगातार उठा रहे हैं। अगर बिहार की नीतीश सरकार बिहार में जाति जनगणना करा सकती है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं करा सकती? आज हमारा नाई की संख्या है, साहू की संख्या है, सभी जातियों की संख्या है, कुशवाहा की संख्या है, राजभाग की संख्या है, चौहान संख्या है, और ये संख्या अगर लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारी इतनी आबादी है तो आबादी के अनुसार हक, हिस्सा, सम्मान, अधिकार और नौकरी आरक्षण मांगने लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लड़कों को आरक्षण नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए जाति जनगणना नहीं। लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी सत्ता सरकार में आएगी, 3 महीने के अंदर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, सपा की सरकार आने के बाद 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना कराई जाएगी। और जाति जनगणना के हिसाब से जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है, जितनी संख्या है, संख्या के अनुसार उन्हें हिस्सेदारी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। इसलिए आपसे अपील करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करो, समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम। 2024 का लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में आप जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके आप समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी ताकत देने का काम कर दो केंद्र में, पार्लियामेंट में, कि बिना समाजवादी पार्टी की मदद से कोई की सरकार देश में न बन सके। और जब ऐसी ताकत होगी तो श्री अखिलेश यादव जी कहेंगे पहले हमारी जाति जनगणना कराओ, पूरे देश के पैमाने पर जाति जनगणना। इसलिए आज इस अवसर पर आप आए, संविधान दिवस है, संविधान को हम जो है की रक्षा के लिए हम उसका शपथ लेने का काम करते हैं और अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और भगवान विश्वकर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्वकर्मा समाज के भाइयों अब से आप अपनी एकता बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी ताकत बनाओ और आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपनी ताकत को दिखाने का काम करो। हम यही कहने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड सो ऑन सर, ये तमाम अधिकार हमको सोशलिस्टिक सबको निकालने का आग्रह किया है। आप नजर लगा सकते हैं, बहुत नहीं लंबा चर्चा करेंगे, लेकिन आप नजर लगा सकते हैं सोशल बेसिस ऑफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशली एंड एजुकेशनली। हम इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो जिस सिद्धांत के तहत हम उसकी बात करते हैं उसी का नाम सोशलिज्म है। मुसलमानों से सावधान रहना भाई, अगर मुसलमानों ने आपका कुछ हक लूटा हो, कोर्ट के जजा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के परीक्षण कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, आप सभी साथियों से ये बात मैसेज दीजिए कि मतदाता सूची में अपने सभी लोगों का नाम, जिनकी उम्र है, मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा हम कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए इसकी अपील करते हुए क्या आप अपने लोगों को अधिक आने वाले दिनों में खड़ा होगा और आने वाले समय जो मैं करेगा।